शराब माफियाओं का बोलबाला, ओवरचार्जिंग के विरोध करने पर युवक की गई पिटाई। दिन पर दिन शहर में शराब माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां शहर के अलग अलग जगहों से सरकार द्वारा निर्धारित समय के बाद भी शराब के ठेकों से शराब बिकने की बातें सामने आती हैं, तो वहीं अब शराब माफिया अपने ग्राहकों को अपना शिकार बनाने लगे हैं। ताजा मामला थाना जूही क्षेत्र का है, जहां रत्तुपुरा का रहने वाला विकास गौतम जब जूही नहेरिया के पास बने देशी शराब ठेके पर पहुंचा और देख वहां MRP से अधिक दाम पर शराब बेची जा रही थी, तो विकास गौतम ने इसका विरोध किया। विकास गौतम की माने तो ओवर चार्जिंग का विरोध करते ही ठेका संचालक ने पहले तो गालियां देना चालू किया और देखते ही देखते अचानक युवक के ऊपर लोहे की रोड से हमला कर दिया, जिससे युवक के सर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद देर रात तक पीड़ित और उनके परिजन थाने में खड़े रहे और उनका कहना है कि उनकी FIR नहीं लिखी गई। वहीं पीड़ित का कहना है कि रात में थाने में मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने पहले तो उस पर समझौता करने का दबाव बनाया और जब पीड़ित ने समझौता करने से मना किया तो ठेका संचालक की तरफ से तहरीर लेकर मुकदमा लिखने की बात कहकर पीड़ित को डराने लगे। हालांकि खबर लिखे जाने तक दोनों पक्षों की ओर से किसी की भी FIR दर्ज नहीं की गई। वहीं पुलिस का कहना है घायल व्यक्ति का मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।